हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसियों के सम्राट के बारे में। बड़ी सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब के आला सतह के वक्त की 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी मतवक़ है। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में 130 रुकनी सरमायाकारों का वक्त भी पाकिस्तान पहुँचा। सऊदी वक्त का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और वजीर तिजारत जाम कमाल ने मुअज्जज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में अहम मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। वजीर आज़म आज सऊदी अरब के एजाज़ में इशारिया देंगे, जिसमें वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। सऊदी वफ़द सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। सरमायाकारी के लिए वजारत सनअत व पैदावार और सर्विसेज सेक्टर के लोग भी शामिल किए जाएंगे। हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसियों के सम्राट के बारे में। बड़ी सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब के आला सतह के वक्त की 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी मतवक़ है। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत में 130 रुकनी सरमायाकारों का वक्त भी पाकिस्तान पहुँचा। सऊदी वक्त का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और वजीर तिजारत जाम कमाल ने मुअज्जज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में अहम मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। वजीर आज़म आज सऊदी अरब के एजाज़ में इशारिया देंगे, जिसमें वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। सऊदी वफ़द सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। सरमायाकारी के लिए वजारत सनअत व पैदावार और सर्विसेज सेक्टर के लोग भी शामिल किए जाएंगे।